एक खबर आरा से है, जहां नवादा थाना क्षेत्र के पूछा पंडाल में सुबह सवेरे फायरिंग की घटना हुई। इसमें चार लोग को गोली लगी है। घायलों में तीन लोग पूछा समिति के सदस्य हैं। सभी घायलों को आरा शहर के बाबू बाजार के निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। बताया जा रहा है कि दो बाइक पर सवार हथियारबंद अपराधी मौलाबाग के पूछा पंडाल में पहुंचे थे और फायरिंग कर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। पूछा पंडाल में हुई फायरिंग से लोग दहशत में आ गए। दो युवक को पेट में गोली लगी है, जबकि एक को जांघ और एक को पैर में गोली लगी है। सभी के शरीर से बुलेट निकाल लिया गया है और सभी की हालत स्थिर है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कहां का लड़का था सर पता नहीं है। हम लोग कुर्सी पर बैठे थे, एक पे आया दो गाड़ी से नजून गोली चलाने लगा। दो तो हमको लगा, एक हाथ में लगा, एक पेट में लगा। तो वहाँ कितने लोग थे पंडाल? वहाँ पर तो पंडाल में इस पर 20-25-30 आदमी था। अब हम तो लगा तो वहीं पे गिर गए। अब ये नहीं पता है कि किसको किसको लगा है। हमारे पास आया था, दो लोग को पेट में गोली लगी है। एक बच्चे का तो गोली मैंने निकाल दिया है, सेकंड वाला को ले रहे हैं। एक का राइट साइड थाई में लगी है, वो अस्टेबल है। एक का पैर में लगी थी, जिसका पट्टी मैंने आते आते कर दिया था, ब्लीडिंग बंद था। ये दो लड़का जो सीरियस था उसे एक का मैंने ऑपरेशन करके गोली निकाल दी। एक और लड़का है, जस्ट हम लोग ओटी में लिए हैं, ब्लड निकलवा दिए हैं और अभी इलाज जारी है। और चंदन हमारे साथ फोन लाइन पर है, न्यूज 18 संवाददाता। चंदन, किस बात को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया, अपराधियों की पहचान कुछ हो पाई है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला नवादा थाना क्षेत्र के मौलाबाग स्थित पूजा पंडाल से जुड़ा हुआ है, जहां की पूजा पंडाल पर अहले सुबह की घटना है। और इस तरह से कहें तो अचानक हुई गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जो पूजा समिति के सदस्य हैं वो पूजा पंडाल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक दो बाइक पर सवार चार की संख्या में अपराधी पहुंचे और उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें चार लोगों को गोली लग गई। हालांकि पुलिस को घटना की जैसे ही जानकारी मिली, वहां पर मौके पर जो पुलिस है वो पहुंची और घायलों को आनंद थाना में इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उनका इलाज चल रहा है। वही स्थानीय लोगों की अगर माने तो समिति के सदस्यों की माने तो शुरू के विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम देने की बात की जा रही है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन गोलीबारी की घटना को लेकर के एक तरह से कहें तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई और चार लोगों को गोली लगी है, जिसमें की दो लोगों को काफी सिर्फ दो दो गोली लगी है, वहीं दो अन्य लोगों को एक एक गोली लगने की बात सामने आ रही है। हालांकि डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में उनका इलाज चल रहा है, फिर भी जो घायल है वो खतरे से बाहर है, वही पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए चंदन आपका। गढ़वा से